सामने खड़ी है होंडा की न्यूली लॉन्च शाइन 100cc और ये गोल्डन ब्लैक गोल्डन वाला जो कलर है वो है, और एक ही वेरिएंट आता है स्टैंडर्ड जो कि मेरे सामने खड़ा हुआ है। क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। अभी गाड़ी स्टॉक है, जैसी शोरूम से आती है अभी इसमें कोई भी एक्सेसरी नहीं लगी हुई है, लेग गार्ड इसमें नहीं आता है और लेडीज स्कूटर इसमें पहले से लगा आता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से आप देखेंगे तो इसका जो हेडलैम्प है ड्रीम न्यू की तरह ही जो आप जो देखा होगा आपने वही वैसे ही थोड़ा सा लग रहा है। सिंगल वाइजर है, यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स हैं। हेडलाइट इसमें बल्ब वाले ऑरेंज कलर का इसका कवर लगा हुआ है, यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए स्पेस। और फ्रंट इसका मडगार्ड है पूरा मैट टेक्सचर में और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब कि अगर आप कभी गांव खेड़े वगैरह एरिया में चला रहे हो तो कुछ भी इस पर लगता है या गिरता है तो ये टूटेगा नहीं। रिफ्लेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे। और ये दोस्तों इसका 5 spoke का अलॉय व्हील। टायर साइज इसका है 17 inches का 2/75/17 ट्यूब वाले टायर है, MRF के टायर का इसमें यूज़ किया हुआ है। ग्रिप्स आप देख चेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा है। साइड वाइज देखेंगे तो ये दोस्तों इसका 9 liter का टैंक है और ग्राफिक्स भी ठीक है इसका। मुझे पर्सनली ये कलर इतना पसंद नहीं है, इसका जो ब्लैक एंड ग्रे कलर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे लगता है। यहाँ पे जो होंडा का लोगो है वो है इसका ग्राफिक्स में। इसका हो गया फ्यूल टैंक। नीचे आप देखेंगे तो ड्यूल कलर में इसका इंजन है, ऊपर सिल्वर जो हेड है इसका सिल्वर कलर है, नीचे ब्लैक कलर है। और 100cc के अंदर 98cc या 99cc समथिंग होगा, पावर फिगर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। किक स्टार्ट का ऑप्शन भी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेंटर पैनल पर शाइन लिखा हुआ है, ESP मिला हुआ है यहाँ पर आपको, इको इनहेंस स्मार्ट पावर, मतलब कि गाड़ी चलने में काफ़ी सही है। और इसको मैं टेस्ट भी कर चुका हूँ ऑफ रोडिंग में, थोड़ा चला के देखा, सस्पेंशन काफ़ी सही ज़बरदस्त जो है इसका वर्क कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसको मैंने हिल टेस्ट भी किया, हिल टेस्ट पे भी 2 लोगों के साथ ही आराम से चढ़ गई। भाई हमारे साथ थे, भाई सही चढ़ी है गाड़ी, बराबर पिकअप लिया है और थोड़ा कच्चे में भी चलाया था अपन ने तो वो सही आया ना, कम्फर्ट है ना, गड्ढे वड्ढे ज़्यादा फील तो नहीं हुआ। तो ये देखिए भाई, यूज़र का भी एक मैंने ले लिया। पीछे वाला जो पैनल है ये कुछ ऐसा है और ये रहा इसका इंडिकेटर। और पीछे से आपको याद दिलाएगा ड्रीम न्यू जो आती थी 110cc में, वही वाला जो है पूरा उसी बेस पे गाड़ी को थोड़ा सा डिज़ाइन किया हुआ है। काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, इंडिकेटर, स्टेल लैंप, हेड लैम्प, फ्रंट मास्क और अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ भी चलेंगे। ये रहा इसका दोस्तों रियर टायर। रियर टायर का साइज़ आप देंगे तो 17 inches का है, 3.05 spoke का इसमें अलॉय व्हील है, ट्यूब वाले टायर है। सस्पेंशन में किसी तरीके का आपको इसको एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं है तो ये आप देख लीजिएगा। ये रहा अपना लेडीज़ फुटरेस्ट और ये अपना फोल्डेबल है, ये फोल्डेबल नहीं है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ है, मतलब कि साइड स्टैंड लगा रहेगा गियर में गाड़ी होगी तो चालू नहीं होगी। 4 गियर है इसमें, चारों के चारों जो पीछे लगेंगे। अब चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। ये कुछ ऐसी की हैं जो टिपिकल होंडा की आती है वही है। और यहाँ पर कुछ खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, ये पता नहीं, यहाँ पर थोड़ा खाली स्पेस छोड़ा हुआ है, इधर पर थोड़ी सी जगह है, कुछ कपड़ा वपड़ा रख सकते हैं गाड़ी साफ़ करने के लिए। इसका स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज, स्पीड दी हुई है यहाँ पे, फ्यूल गेज है यहाँ पे, न्यूट्रल हज़ार और माल फंक्शनिंग इंडिकेटर और हाई बीम, यहाँ पे होंडा का लोगो है। और हैंडल बार इसका काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब चलाते टाइम कंफर्टेबल लगता है। इधर देखिए स्विचेस में तो अपर डिपर इंडिकेटर और ये इसके हॉर्न हो गया। यहाँ पे आपको सिंगल सेल्फ स्टार्ट दिया हुआ है। साइड मिरर्स आप देखेंगे ये भी काफ़ी सही क्वालिटी के यूज़ किए, इवन जो CB शाइन हो गई और मैक्सिमम होंडा की बाइक्स में यही वाले जो है साइड मिरर यूज़ होता है। बैठने के बाद कुछ ऐसा व्यू आता है और इसके एग्जॉस्ट नोट आपको मैं चेक करवा देता हूँ। एकदम साइलेंट स्टार्ट है, तो ये हो गया इसका साउंड। दोस्तों यही थी शाइन, अगर आप 100cc में कंसिडर करना चाह रहे हैं तो ये ब्रांड न्यू अभी लॉन्च हुई है और कंसिडर करके देख सकते हैं। बाकी चलने में और परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, गाड़ी साइलेंट भी है और सबसे अच्छी बात यह है इसकी ऑन रोड कॉस्ट 80,000 के अंदर अंदर ही, मतलब 79,990 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 64,000 या 65,000 के अप्रोक्स इसके एक्स शोरूम प्राइस है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।